अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लोग तारीख में पढ़ने जा रहे हैं थर्ड क्रूसेड यानी तीसरी सलीबी जंग। थर्ड क्रूसेड का मुद्दत है 1189 से 1192। थर्ड क्रूसेड के पस मंज़र में दो अहम तारीखी वाक़यात छिपे हुए हैं। एक है बैटल ऑफ हत्तीन यानी जंगी हत्तीन, जो कि 4 जुलाई 1187 को हुआ। इस जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फ़ौज यरूशलम के जो मैंने हुक्मरान थे गी ऑफ लुसिनन, उसके फ़ौज को जो है हत्तीन के मकाम पर एक ज़िल्लत आमेज शिकस्त देते हैं। अच्छा, इसमें गी ऑफ लुसिनन को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उन्हें कैदी बनाया जाता है और रेनल्ड ऑफ शटिलोन को सुल्तान ख़ुद अपने हाथों से उनका कत्ल करते हैं। अब बाकी जो लोग थे वो मैदान जंग से भाग जाते हैं। 4 जुलाई 1187 में जंग हत्तीन के फतह के बाद सितंबर महीना आते आते सलाहुद्दीन अयूबी जो लेवेंटीन कोस्ट है यानी कि मेडिटेरेनियन सी के मशरक़ी साहली पर जो पोर्ट सिटीज़ हैं मसलन एकर, एस्कलोन, जाफा, सीडोन वगैरह वगैरह, इनको एक एक करके सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी फतह करते हैं। इसके बाद जो है क्या होता है कि जो बालियान ऑफ आइबेरिन जो कि जंगी हत्तीन में था, ये भागकर पनाह लेता है सीडोन में जो कि लेबनन में है। तो वहाँ पर पनाह लेने के बाद बालियान ऑफ आइबेरिन एक पैगाम भेजता है सुल्तान को कि उनकी बीवी और बाल बच्चे और क्वीन ऑफ जेरूसलम मैंने आपका ये क्वीन साइबिला ये वहाँ पर फंस गए हैं। तो ये उनको एक पैगाम देते हैं कि उनको वहाँ से भेज देने का बंदोबस्त किया जाए या मैंने बालियान ऑफ आइबेरिन को वहाँ पर जाने दिया जाए ताकि वो अपने हमरा उन लोगों को वहाँ से लेकर चले आएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन बालियान ऑफ आइबेरिन की इस दरख्वास्त को मंजूर करता है इस शर्त पर कि वो गैर मुसल्ला होकर यरूशलम में आएगा और सिर्फ एक दिन जो है वहाँ पर ठहरेगा। बालियान ऑफ आइबेरिन यरूशलम पहुंचता है। यरूशलम पहुंचने के बाद क्वीन साइबिला और पैट्रियार्क हेराक्लियस ऑफ यरूशलम बालियान को कहता है कि आप जो है इस यरूशलम के सिटी का मुदाफियत कीजिए। बालियान जो है उसके बात पर अग्री हो जाता है और इस तरह से जो सुल्तान से जो वादा किया था कि हम गैर मुसल्ला वहाँ पर रहेंगे और एक दिन में वापस चले जाएंगे, अपने वादा को खिलाफी करता है और यरूशलम के हिफाजत में इसके मुदाफियत में फिर जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ ऐलान जंग करता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भी क्या करते हैं कि जो है मैंने सितंबर 20 को जो है यरूशलम के बाहर अपनी फौज को लेकर तैनात हो जाते हैं। 5-6 दिन जो है ये यरूशलम का महासरा चलता है। बिल आखिर जब बालियान ऑफ आइबेरिन देखा कि उसके पास जो है फौज की बहुत कमी है और इस जंग को जीत नहीं पाएंगे तो वो जो है अनकंडीशनल जो है वो सरेंडर अपने आप को कर देता है। उसके बाद ये इस तरह से यरूशलम पर जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का एक तरह से कब्ज़ा हो जाता है, उसके मैंने सरेंडर को तस्लीम कर लेता है। लेकिन इस मौका पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बहुत रहमदिली का मैंने मुजाहरा करते हैं, बहुत ही मैंने इनायत करते हैं, रहम व करम करते हैं, क्योंकि इस मौका पर जो उन्होंने हुस्न सलूक पेश किया बालियान ऑफ आइबेरिन के साथ उनके कैदियों के साथ वो काबिले तारीफ है। क्या किया उसने कि इसी बहाने जो है जितने भी मुसलमान कैदी जो सलीबियों के मैंने कैद में चले गए थे उनको इस तरह से उनको रिहा करवाया गया और बालियान ऑफ आइबेरिन के कहने के ऊपर या उसके इल्तिजा के ऊपर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बहुत से कैदियों को जो है बिना मुआवजा जो है छोड़ दिया। जो लोग रैंसम देने के लायक नहीं थे, जैसे बुज़ुर्ग लोग जो एल्डरली पीपल थे, बुज़ुर्ग थे, ज़ईफ़ लोग थे, वो रैंसम अदा नहीं कर सकते थे, तो उनको जो है बिना मुआवजा उनको छोड़ दिया गया। अच्छा, इसी तरह से ये मैंने यरूशलम के जो मैंने शरफा जो औरतें थीं उनको भी जो इजाज़त दिया गया कि ठीक है आप लोग अपने जो है इस शहर को छोड़कर चले जाइए। यहाँ तक कि क्वीन सैबिला को भी जो है
سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم سے جانے کی اجازت دے دی کہ جائیے آپ اپنے جو مقید جو ہسبینڈ گی یوسین سے ان سے جا کر ملاقات کیجیے. بارین آف آئبلین جو درخواست کیا تھا کہ ہمارے بیوی بال بچوں کو ہمارے پاس بھیج دیا جائے, سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے میں نے ایک شفقت اور محبت دکھاتے ہوئے اس کے فیملی کو جو ہے اس کے پاس جو ہے آسانی سے بھیج دیا گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود فیصلہ یہ بھی کیا کہ جو نیٹو کرسچنس ہیں میں نے وہاں کے جو باشندے تھے ان کو اجازت دی گئی کہ آپ لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں, لیکن جو کرسیڈر کرسچن تھے جو کہ جنگ میں حصہ لیے تھے ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ کو یروشلم شہر کو چھوڑ کر جانے پڑے گا. اچھا اس کے علاوہ کہ عیسائی زائرین کو اجازت دی گئی کہ وہ جو ہے یہاں ان کے جو ہولی شرائنس ہیں ان کو وہاں پر زیارت کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ پہلے جو ان کرسچنس کو جس کو یہ رومن کیتھولک چرچ مانے ہیریٹکس مانتے تھے, مانے کیا کہتا ہے اس کو مانے یہ ایک طرح سے گمراہ مانتے تھے, ان پر پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ وہ جو ہے ہولی شرائنس کا جو ہے وزٹ نہیں کر سکتے ہیں, ان کو بھی صلاح الدین ایوبی نے اجازت دی کہ آپ لوگ بھی جو یہاں پر جو ہے اپنا جو ہے یہ مانے جو مقدس مقامات ہیں وہاں پر آپ لوگ جا سکتے ہیں. اچھا جو یہ آپ کا جو یہ ڈوم آف راک ہے اس کے اوپر جو کرسچن کا جو کراس تھا اس کو وہاں جو نصب کر دیا گیا تھا ایوبی کے حکم, سلطان کے ایوبی کے حکم پر اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. اچھا ہولی سیپلکر کے بارے میں ایک فیصلہ یہ کیا گیا کہ پہلے 3 دن تک جو ہے سلطان کے حکم پر جو ہے اس میں زیارت اس پر ممنوع کر دیا گیا, اور اس پر یہ غور فکر کیا گیا کہ ہولی سیپلکر کے ساتھ کیا کیا جائے, یعنی اسے کھلا رکھا جائے یا بند کر دیا جائے. تو بعض مشیروں نے تو سلطان کو یہ مشورہ دیا کہ نہیں ہولی سیپلکر کو جو ہے مسمار کر دیا جائے, لیکن دوسرے بعض جو مشیر تھے انہوں نے نیک مشورہ دیا سلطان کو کہ نہیں ہولی سیپل کو جیسے تھا جس حال میں اسی حال میں بحال کیا جائے, اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد دلا گیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس فتح کیے تھے تو اس ہولی سیپل پر کو بحال رکھے تھے, اس کو میں نے اس کو اسی طرح سے رکھا گیا اور وہاں پر زیارت کی میں جو عیسائی زائرین تھے ان کو زیارت کی اجازت دی گئی تھی, اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ کہا کہ نہیں اس کو مسمار نہیں کیا جائے گا, اور پھر 3 دن کے بعد جو ہے ہولی سیپل کو جو ہے کھول دیا گیا اور وہاں پر پھر عیسائی زائرین وہاں پر آنے لگے اور اس طرح سے جو ہے وہاں پر زیارت کرنے لگے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو یہ مطلب آرچ بشپ آف جو ٹائر تھا جوسیس وہ مطلب ٹائر جب پہنچتا ہے تو کونراڈ آف مونٹیفرار جو ہے جوسیس کو مطلب بھیجتا ہے کہ جائیے آپ یوروپ جائیے, جا کر وہاں پر یہ خبر پہنچا دیجئے کہ یروشلم پر جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو ہے فتح ہو گیا ہے. تو جوسیس آرچ بشپ آف ٹائر جو ہے وہ مطلب یوروپ پہنچتا ہے, سب سے پہلے وہ سیسلی جاتا ہے, وہاں پھر روم پہنچتا ہے, روم میں جانے کے بعد پوپ ارمن سیکنڈ کو خبر دیتا ہے کہ یروشلم پر جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا قبضہ ہو گیا ہے, فتح ہو گیا ہے. یہ خبر سنتے ہی پوپ اربن سیکنڈ جو ہے صدمہ سے جو ہے اس کی موت ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کا جانشین ہوتا ہے گریگری 8, اور گریگری 8 جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے 3rd کروسیڈ کا اعلان کرتا ہے. Thank you.
पोप ग्रेगरी 8 की आवाज पर इंग्लैंड के राजा रिचर्ड 1, फ्रांस के राजा फिलिप 2 और होली रोमन एम्परर फ्रेडरिक बारबारोसा होली लैंड के सफर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस क्रूसेड में चूंकि तीन ममालिक के बादशाह शरीक हुए थे, इसलिए इस क्रूसेड को किंग्स क्रूसेड कहा जाता है। इस क्रूसेड में इंग्लैंड के राजा रिचर्ड 1, जिन्हें रिचर्ड लायन हार्ट भी कहते हैं, वो और फ्रांस के राजा फिलिप ऑगस्टस, ये दोनों एक साथ इस सफर पर गए थे, लेकिन फ्रेडरिक बारबारोसा तन्हा होली लैंड के लिए निकले थे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बारबारोसा जब होली लैंड के लिए निकलते हैं तो उनके साथ रास्ते में क्या होता है। बारबारोसा के आर्मी के साथ उनका लड़का ड्यूक फ्रेडरिक 6 ऑफ स्वेबिया, ड्यूक ऑफ बोहिमिया और ड्यूक लियोपोल्ड 5 ऑफ ऑस्ट्रिया, ये भी इनके साथ शरीक हो जाते हैं। जानने से पहले, चूंकि इस मुहिम पर बहुत अखराजात होने वाले हैं, इसलिए एम्परर ने जर्मनी के यहूदियों पर एक छोटा सा टैक्स आयद किया और इस बात का ख्याल रखा कि फर्स्ट क्रूसेड में जिस तरह से राइन लैंड मैसेकर हुआ था, यहूदियों का कत्लेआम हुआ था, उस तरह का कत्लेआम या जुल्म सितम यहूदियों पर न होने पाए, इस बात का एम्परर ने बहुत ही ख्याल रखा था। खैर, इस मुहिम पर जाने से पहले एम्परर बारबारोसा ने मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों को बुलाकर एक मीटिंग किया और उस मीटिंग में हंगरी, बाजंतनी सल्तनत, सेल्जुक सल्तनत और दिगर जो मकामात थे वहाँ के सफीर रोमन ये होली रोमन एम्परर को इस बात का यकीन दहानी कराए कि जब वो इस मुहिम पर निकलेंगे तो और जब उनके इलाकों से गुजरेंगे तो उनके लिए जो कुछ उनसे होगा इंतज़ाम, रास्ते में खाने पीने का उसका इंतज़ाम करेंगे और बिला खौफ ख़तर उनके इलाकों से गुजर जाएंगे। 11 मई 1189 को फ्रेडरिक बारबारोसा जर्मनी के रेजिन्सबर्ग से होली लैंड के लिए निकलते हैं और ये दरियाए डैन्यूब के जरिया जो है पानी जहाज से निकलते हैं। अच्छा, इनके साथ फौज करीब 12,000 से 15,000 तक रहती है। रास्ते में और भी कॉन्टिंजेंट्स इनके साथ शामिल हो जाते हैं और फिर आगे जो है इनकी फ़ौज की तादाद फिर बढ़ जाती है। जर्मनी से ये पहुंचते हैं ऑस्ट्रिया के वियना शहर में, फिर वहाँ से वो हंगरी में दाखिल होते हैं। जब हंगरी में दाखिल होते हैं तो हंगरी का जो राजा था किंग बेला, उनका पुरजोर इस्तकबाल करते हैं और होली रोमन एम्परर के साथ सर्बिया की दारुल खिलाफा बेलग्रेड तक पहुँचते हैं। सर्बिया बाजंतनी सल्तनत का इलाका है। उसके बाद हंगरी का राजा बेला 3 जो है वो होली रोमन एम्परर का साथ ब्रैनिसिवो तक देते हैं और फिर इस मुकाम से हंगरी का राजा जो है वापस अपने वतन लौट जाता है। फिर वहाँ से क्रूसेडर आर्मी जो है निस एक मकाम पर पहुँचती है कि जो कि सर्बिया में है और सर्बिया का जो ग्रैंड प्रिंस है स्टीफन निमांजा होली रोमन एम्परर का वहाँ इस्तकबाल करती है। फिर उसके बाद होली रोमन एम्परर अपने फौज के साथ बल्गेरिया के दारुल खिलाफा सोफिया तक पहुँचते हैं। सोफिया से कूच करते हुए बारबारोसा की फौज फिलिपोलिस मकाम पर पहुँचती है। इसका जदीद नाम प्लोवडिव है जो ये बल्गेरिया में है। इस मकाम पर पहुँचने के बाद बारबारोसा की फौज की जो है बाजंतिनी फौज के साथ एक जंग होती है। दरअसल बाजंतिनी एम्परर आइजक सेकंड एंगलस का बारबारोसा के साथ कोई अच्छा ताल्लुकात नहीं था। एंगलस ने सुल्तान सलाहुद्दीन के साथ एक खुफिया मुआहदा किया था जिसका मकसद था कि बारबारोसा के जो फौज की पेशरफ्त को जो है पेशकदमी को जो है
अनत ये मैंने बाजंतीनी सल्तनत ही में रोक दिया जाए ताकि होली लैंड की तरफ ये जो है कुछ नहीं करने पाए। दूसरी बात ये है कि आइजक सेकंड एंगलस को इस बात का खदशा था कि होली वार के नाम पर ये जो फौज कुछ कर रही है कहीं इसका मकसद ये तो नहीं कि कुस्तुनतुनिया पर वो कब्जा कर ले और एंगलस के लड़का को ही जो है गद्दी पर जो है बैठा दे। एक और बात यह है कि आइजक सेकंड एंगलस ने एक मकतूब भेजा था फ्रेडरिक बारबारोसा को जिसमें उसने होली रोमन एम्परर टाइटल का इस्तेमाल नहीं किया और उसकी जगह पर किंग ऑफ जर्मनी के नाम से जो है फ्रेडरिक बारबारोसा को खिताब किया। खैर जो भी हो बारबारोसा और आइजक सेकंड एंगलस के दरमियान अडियानोपल के मकाम पर 11 फरवरी 1190 में एक माहदा होता है जिसे ट्रीटी ऑफ अडियानोपल कहते हैं। इसके बाद बारबारोसा की फौज अनातोलिया में मुंतकिल होती है। अनातोलिया पहुंचने के बाद अनातोलिया के दो मकाम पर फिलोमिलियन और कोनिया इस दो मकाम पर जो है बारबारोसा की फौज की तुर्क फौजों के साथ जंग होती है। पहली जंग होती है 7 मई 1190 को जिसे बैटल ऑफ फिलोमिलियन कहते हैं। इस जंग में सेल्जुक तुर्क की जो फौज थी उसकी क्यादत कर रहे थे कैकूर शाह वन। ये सेल्जुक सुल्तान किलीज अरसलान दोयम के लड़का थे और वो सिपा सलार भी थे। इस जंग में 10,000 टर्किश फौज की क्यादत कर रहे थे कैकुशा वन और इसमें 5,000 टर्क्स को जो है माने मार दिए गए यानी इस जंग में तुर्कों की शिकस्त होती है। इसके दो हफ्ते के बाद फिर 18 मई 1190 को बैटल ऑफ इकोनिया या बैटल ऑफ कोनिया की जंग होती है। कोनिया ये सेल्जुक सुल्तान का दारुल सल्तनत था। यहाँ भी करीब बारबारोसा की जो फौज जो है वो 3,000 टर्किश माने ट्रूप्स को जो है माने कत्ल कर देती है और बहुत सारे नोबल्स को जो है वो ये कर लेते हैं क्या कहते हैं कि अगवा कर लेते हैं। उसके बाद 10 जून 1190 को एक दर्दनाक हादसा होता है। होता ये है कि बारबारोसा दरिया सलेफ को जब वो पार करते हैं तो दरिया पार करते वक्त वो माने स्लिप कर जाते हैं और उसी दरिया में डूबकर मर जाते हैं। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि जो जर्मन जो फौज था उसका हौसला टूट जाता है। आधा से ज़्यादा फौज जो है फिर जो है वो अपने वतन जो है लौट जाते हैं और फ्रेडरिक बारबारोसा का जो लड़का था ये फ्रेडरिक सिक्स वो अपने बाप के तजहीज तकफीन के लिए जो है वो अंताकिया तक पहुंचता है। फिर अंताकिया पहुंचने के बाद भी जर्मन फौज की माने उसमें बेस्तर फौज जो है माने बीमारी के सब जो वहाँ पर उमड़ जाती है। तो इस तरह से बारबारोसा का जो मकसद था कि होली लैंड पहुँच कर वहाँ पर हम मुसलमानों से या सलाहुद्दीन अयूबी से जो है यरूशलम को जो है माने छुड़वाएंगे ये मकसद उसका फौत हो जाता है और वो रास्ते ही में जो है वो डूब कर मर जाता है। इस तरह से बारबारोसा का जो है होली वार जो है यहाँ पर जो है आकर ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से फिर शुरू होता है रिचर्ड वन और फिलिप टू का होली वार के लिए होली लैंड की तरफ जो है कूच करना। होली वार पर जाने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ही ममालिक अपने अपने शहरियों पर सलादीन टाइथ लगाते हैं मतलब सलादीन टैक्स लगाते हैं ताकि जो होली वार पर जो अखराजात होंगे उसके खर्च को जो है बर्दाश्त किया जा सके। रिचर्ड वन और फिलिप सेकंड दोनों ही फ्रांस के एक मकाम पर मिलते हैं और 4 जुलाई 1190 को एक साथ होली लैंड के लिए रवाना होते हैं। देखिए फ्रेडरिक बारबारोसा 11 मई 1189 को होली लैंड के लिए निकला था और रिचर्ड और फ्रांस ये दोनों रवाना हो रहे हैं 4 जुलाई 1190 तकरीबन एक साल के बाद। इस तखीर की वजह ये है कि उस वक्त जो है इंग्लैंड और फ्रांस दोनों आपस में जंग लड़ रहे थे क्योंकि होली लैंड की तरफ जाना था ग्रेगरी 8 का ऐलान हो चुका था
ये होली वॉर के लिए, होली लैंड जाने के लिए ऐलान हो चुका था, इसलिए इंग्लैंड और फ्रांस को मजबूरन जंग बंद करनी पड़ी। खैर, तो रिचर्ड वन और फिलिप सेकंड दोनों जो है फ्रांस के लायोन शहर तक एक साथ आए और फिर वहाँ से ये दोनों अलग हो गए इस वादे के साथ कि हम लोग दोबारा जो है सिसिली में मिलेंगे। सिसिली ठीक इटली के साउथ में एक जो है माने आइलैंड है। इसके बाद रिचर्ड लायोन से फिर मार्सेल आता है, मार्सेल फ्रांस का ही एक शहर है। फिर वहाँ से जहाज़ के जरिए मेसिना पहुँचता है 23 सितंबर को। मेसिना उसी सिसिली का नॉर्थ ईस्ट का एक पोर्ट सिटी है। अब यहाँ पर सिसिली का जो राजा था विलियम सेकंड, उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद टैंक्रेड वहाँ का राजा बनता है। लेकिन टैंक्रेड क्या करता है कि विलियम सेकंड की जो बीवी थी यानी कि क्वीन ऑफ सिसिली, इसको वो गिरफ्तार कर लेता है, कैद कर लेता है। क्वीन ऑफ सिसिली जो थी वो रिचर्ड वन की बहन थी, इसलिए रिचर्ड जो है अपनी बहन को कैद से छुड़ाने के लिए मेसिना पर जो है 4 अक्टूबर 1190 को जो कब्जा कर लेता है, यानी मेसिना पर फतह कर लेता है। इसके बाद लायोन से जो है फ्रेंच जो किंग थे माने फिलिप सेकंड, वो जिनोवा पहुंचते हैं, माने लायोन से जिनोवा आते हैं। जिनोवा भी जो है आपका इटली में माने वेस्ट में, इटली के वेस्ट में ये एक शहर है। तो फिलिप सेकंड लायोन से फिर जिनोवा आते हैं और वहाँ से ये सिसिली पहुँचते हैं। अब सिसिली में रिचर्ड वन और फिलिप टू दोनों की फिर दोबारा मुलाकात होती है, जैसा कि वादा हो चुका था। लेकिन सिसिली पहुंचने के बाद रिचर्ड और फिलिप में झगड़ा हो जाता है। झगड़े इस बात पर होती है कि रिचर्ड वादा किया था कि वो फिलिप की सौतेली बहन से शादी करेगा, एंगेजमेंट भी हो गया था। लेकिन एंगेजमेंट टूट जाने की वजह से क्या होता है कि फिर फिलिप और रिचर्ड दोनों अलग अलग हो जाते हैं और फिलिप तन्हा जो है फिर 30 मार्च 1191 को होली लैंड के लिए अपने आर्मी के साथ, अपने फ्लीट के साथ जो है रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ रिचर्ड सिसिली से अपने फ्लीट के साथ अपनी जंगी जहाज के साथ जो है मेडिटेरेनियन सी से होते हुए होली लैंड की तरफ माने जा रहा है। लेकिन समंदर ही में जो है तूफान में ये जो है फंस जाता है और इसकी जहाज साइप्रस के आइलैंड पर जाकर जो है रुक जाती है। साइप्रस का जो रूलर था उसका खराब एरोगेंट और खूब खराब मिसबिहेवियर के वजह से जो है रिचर्ड वन क्या करता है कि साइप्रस के जजीरा को जो है उस पर हमला करता है और उसको फतह कर लेता है। अब फिर वहाँ से वो जो है फिर होली लैंड के लिए रवाना होता है। 1189 में जंगे हत्तीन के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन किंग गी ऑफ लुसिनन को रिहा कर देता है। रिहाई के बाद किंग गी ऑफ लुसिनन एक लश्कर जर्रार तैयार करता है और एकरा शहर का जो है मुहासरा शुरू कर देता है। इस मुहासरे में फिलिप की आर्मी और रिचर्ड की आर्मी जो कि मेडिटेरियन सी के जरिए अब एकरा पहुंच चुकी है, इस मुहासरे के अमल में शामिल हो जाती है। दूसरी तरफ से किंग बारबारोसा के क्यादत में जो फौज चली थी जर्मनी से और जो जर्मन की जो फौज जो टुकड़ी बच गई थी और जो माने यहाँ माने यरूशलम पहुँची थी, तो उसमें जो जो फौज की जो टुकड़ी बच गई थी जिसकी क्यादत लियोपोल्ड फाइफ ऑफ ऑस्ट्रिया कर रहे थे, इनकी भी फौज जो है इस मुहासरे में शामिल हो जाती है। खैर मुहासरा होता है लेकिन इस मुहासरे में ये जो एकरा का जो किला था वो मतलब जो है उसके माने वो उसका जवाल होता है
और ये रिचर्ड और फिलिप और किंकी की जो फौज है इस पर जो है वो काबिज हो जाते हैं। काबिज होने के बाद फिर जो है एक सुल्तान सलाहुद्दीन और सलीबी फौजों के दरमियान एक मुआहदा होता है। मुआहदा में यही तय होता है कि जो इस गैरिसन के अंदर में जितने भी जो प्रिजनर्स जो हैं जो फंसे हुए हैं उनको मुआवजा देकर छोड़ा जाएगा। लेकिन मुआवजा की रकम के पेमेंट में ताखिर होने की वजह से किंग रिचर्ड जो है गुस्सा में आ जाता है और फिर करीब 2700 मुसलमान कैदियों को बशमूल मर्द औरत बच्चे तमाम लोगों को वो कत्ल कर देता है। उसका ये अमल उसके शोहरत में एक बहुत बड़ा जो है धब्बा लग जाता है। खैर लेकिन इसके बदले में भी जो है सलाहुद्दीन अयूबी के कब्ज़े में जो ईसाई जो प्रिजनर्स थे ये भी उनका कत्ल कर देते हैं। दूसरी तरफ एकरा पर जब सलीबियों का ये जो कब्ज़ा हो जाता है तो फिर माल गनीमत को लेकर फिलिप रिचर्ड और लियोपोल्ड के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हो जाता है। होता ये है कि फिलिप और लियोपोल्ड ये दोनों चाहते हैं कि किंग ये माने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मोंटेफ्रॉट को यरूशलम का हुक्मरान बनाया जाए, लेकिन किंग रिचर्ड चाहता था कि किंग जी ऑफ लुसिनन को जो है यरूशलम का माने हुक्मरान मुकर्रर किया जाए। खैर बाद में रिचर्ड इस बात पर तैयार हो जाता है कि ठीक है कॉनरेड ही जो है यरूशलम का हुक्मरान बनेगा, लेकिन बाद में फिर जो है कॉनरेड की जो है माने कत्ल हो जाता है और इस साजिश के में जो है उंगली रिचर्ड की तरफ उठाई जाती है। खैर जो भी हो उसके बाद जो है कॉनरेड का कत्ल हो जाता है और किंग ऑफ यरूशलम को ये रिचर्ड क्या करता है कि साइप्रस का जो जजीरा उसने फतह किया था तो उसको जो है किंग ऑफ गी को जो है ये उसको फरोख्त कर देता है। अच्छा दूसरी बात ये है कि फिलिप की सेहत खराबी की वजह से और उसके मुल्क में से मैंने तख्त को लेकर कुछ तनाज़ा हो गया था, इसीलिए फिलिप जो है अपने वतन में लौट जाता है। लियोपोल्ड के साथ रिचर्ड का बिहेवियर बहुत ख़राब रहा है क्योंकि जब जंग ख़त्म हो गई तो लियोपोल्ड अपना वॉर फ्लैग जो है अकरा के दीवार के ऊपर जो है मैंने लहरा दिया था, जिससे जो है रिचर्ड जो है उसके जो है वॉर फ्लैग को जो है ज़मीन पर फेंक दिया, जिससे लियोपोल्ड बहुत नाराज़ हुआ और ये भी जो है अपने फौज को लेकर जो है अपने वतन लौट गया। अब जो सलीबी जो फौज बच गई थी इसका तन्हा जो है क़यादत की जिम्मेदारी अब रिचर्ड के कंधों पर थी। एकरा के सीज के बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने क्या किया कि एक तो मैंने इस जंग के शिकस्त का बदला लेने के लिए उसने जाफा से शुमाल आसुफ के मकाम पर 7 सितंबर 1191 को सुल्तान रिचर्ड के फौज पर हमला कर देता है। लेकिन बदकिस्मती से इस जंग में भी जो है सुल्तान सलाहुद्दीन की शिकस्त हो जाती है और उसमें करीब 700 मुसलमान जो है फौज जो है मारे जाते हैं। तो इस तरह से जाफा पर और एकरा पर रिचर्ड का कब्ज़ा हो जाने के बाद क्रुसेडर्स का जो है एक हौसला जो है बढ़ जाता है और मुसलमान जो फौज थे उसका जो है हिम्मत भी पस्त हो जाता है और अब तक सुल्तान सलाहुद्दीन के जो एक नाकाबिल तस्खीर जो है सुल्तान समझा जाता था मैंने वो जो भी जो तस्वर जो है टूट जाता है। रिचर्ड के इमेज में भी जो है एक बढ़ोतरी आती है, उस भी जो है शोहरत याफ्ता एक मतलब मैंने बादशाह बन जाता है। खैर इसके बाद जो है अब जो है जो काम बच गया था वो ये था कि अब किस तरह से यरूशलम पर फतह किया जाए, यही एक वाहिद जो है अब जो है टारगेट था सलीबियों का। तो 1191 नवंबर के महीना में रिचर्ड अपने फौज के साथ यरूशलम की तरफ कूच करता है और फिर रास्ते में जो है अस्कलान पर भी जो है फतह पा लेता है। यरूशलम पर हमला किस तरह किया जाए इस हिकमत अमली को लेकर रिचर्ड और उनके जो सिपा सालार थे उनके दरमियान एक इख्तलाफ राय हो जाता है। रिचर्ड ये चाहता था कि सलाहुद्दीन का ताकत का जो मंबा है वो दरअसल जो है मिस्र है, तो ये चाहता था कि मिस्र पर जो है मतलब हमला किया जाए जिससे उसकी जिससे जो है सुल्तान सलाहुद्दीन की पोजीशन जो है कमज़ोर पड़ जाएगी,
फिर उससे क्या होगा कि सुल्तान सलाउद्दीन का अटेंशन डिवाइडेड हो जाएगा कि मैंने एक तरफ यरूशलम के तरफ मैंने ध्यान दें कि मिस्र के तरफ ध्यान दें, लेकिन बाकी जो रिचर्ड के फौज में जो दूसरे जो सेपा सलार थे या जो दूसरे लोग थे उनका ये कहना था कि नहीं यरूशलम पर बराह रास्त हमला किया जाए। तो इस इख्तिलाफ राय की वजह से जो है बात नहीं बननी पाई और रिचर्ड जो फिर ये फैसला किया कि जो है हम अब जो है मैंने यरूशलम पर जो है अब हम मैंने आगे नहीं बढ़ेंगे और जो है हम अब पीछे लौट जाएंगे। खैर इसके बाद जो है सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी क्या करता है कि जो है ये जुलाई के महीने में 1192 साल में जाफा पर जो है दोबारा हमला कर देता है ताकि इसको दोबारा से इसको जो है कब्ज़ा किया जा सके। लेकिन रिचर्ड इस वक्त जो है अब ये तय कर चुका था कि अब जो है हमको यरूशलम पर फतह नहीं करना है, अब हम जो अपने वतन वापस लौट जाएंगे। लेकिन जैसे ही इसकी खबर मिलती है कि जाफर पर सुल्तान ने हमला कर दिया है तो वो फिर जो है पलटता है और फिर बहरी रास्तों से जो है एक बहरी फौज को लेकर जाफर पर जो है हमला कर देता है और जाफर पर भी जो है फिर से जो है सुल्तान की जो है शिकस्त हो जाती है। फिर बाद में जो है ये जाफा की ट्रीटी होती है सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी और रिचर्ड के माबैन। इस मैंने ट्रीटी या इस मुआहदा के रौ से अब ये फैसला होता है कि यरूशलम पर जो है मुसलमानों का कब्ज़ा रहेगा और ईसाई ज़ायरीन गैर मुसल्ला होकर फ़लस्तीन आएंगे और जितने भी मुक़दस मकामात हैं वहाँ पर जाकर ज़ियारत करेंगे और जितने भी ताजर जो है यहाँ पर यरूशलम में आएंगे वो भी जो गैर मुसल्ला होकर आएंगे, तो इसकी इजाज़त जो है सुल्तान की तरफ से मिल गया। अस्कलान जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को ही दे दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो किले वगैरह जो तामीर किए गए थे इसको सलीबियों ने जो है मिसमार कर दिया। तो इस तरह से जो है इस मुआहदे के रौ से जो है फिर ये जंगबंदी ख़त्म हो जाती है और सुल्तान और ये जो है 7 अक्टूबर 1192 को रिचर्ड फिर जो है अपने वतन को लौट जाता है और 4 मार्च 1193 को सुल्तान सलाउद्दीन भी जो है इस दारे फानी से कूच कर जाता है। तो कुल मिलाकर जो नतीजे ये बरामद हुए कि सुल्तान सलाउद्दीन का जो साहली इलाकों पर जो मैंने पोर्ट सिटीज़ थे जैसे एकर जाफा यहाँ इन इलाकों पर जो इनके मकबूजात थे तो सलाउद्दीन अयूबी को अपने इन मकबूजात से जो है दस्तबरदार होना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि ये रिचर्ड और फिलिप ये जो इस टारगेट से आए थे कि यरूशलम पर जो है हम कब्ज़ा करेंगे तो ये जो है सपना अधूरा रह गया, ये मिशन जो है इनकम्प्लीट रह गया। इसीलिए फिर दोबारा से जो है इस मिशन पर जो है मैंने सलेबियों को फिर भेजा था और फिर चौथा जो है क्रूसेड जो है शुरू होता है। इसके बाद से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की जो ये यहाँ पर जो शिकस्त थी उसका एक वजह ये होता है कि ये जो मेडिटेरियन सी उस तरफ से जो है उस तरफ जो है सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का जो है वहाँ से उस तरफ से उनको कुछ मदद नहीं मिल पाई ताकि जो है वहाँ से जो समंदर के रास्ते से जो फिलिप या आपका ये रिचर्ड जो मैंने फ्लीट लेकर आ रहे थे मैंने आपका ये यरूशलम के तरफ या फलस्तीन जो दाखिल होते वहाँ पर इनको रोकने के लिए यहाँ पर जो है कोई इंतज़ाम नहीं था। तो ये एक वीकनेस था सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का, यूँ कह सकते हैं कि जो नेवल फोर्स जो है सलेबियों का ज़्यादा मजबूत था, वो उसके पास ये ताकत ज़्यादा थी और इस ताकत को तोड़ने के पास सलेबियों के पास कोई जो है रास्ता नहीं था, इसलिए जो है यहाँ पर जो है इनको शिकस्त हुई। खैर कुल मिलाकर यही हुआ कि यरूशलम का जो गोल था कि उसको फतह करेंगे ये गोल जो है मैंने इनकम्प्लीट रह जाता है और फिर इस गोल को हासिल करने के लिए फिर जो है दोबारा से नए सिरे से 4th क्रूसेड का जो है आगाज़ होता है।